सनी लियोनी चाप। सनी लियोनी चाप जी। अच्छा ऐसा ऐसा क्या खा? मटन ब्रेन कड़ी है और आई थिंक इसके अंदर मैं तो लगा कि क्या होगा इसके बगैर लगा हुआ ब्लैक मटन को। ओके सर, और एक पीस पंजाबी चाप है, सनी लेवनी है सर, चिकन टिक्का है सर, मशरूम है, एकदम टैंगी है, जूसी है। और ये जाएगा तंदूर के अंदर, में इसको डालेंगे। तो क्या आप भी हैं सनी लियोनी के फ़ैन, मियां खलीफा के फ़ैन, बेबी डॉल के फ़ैन? तो जी हाँ, अगर आप फ़ैन हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि जिस जगह आज मैं लेके आया हूँ ना आपको, वो जगह पे मिलने वाला है आपको सनी लियोनी, मियां खलीफा, बेबी डॉल। ये देख रहे हैं भीड़ गाड़ियों की, ये सब लोग आए हैं यहाँ पे ट्राई करने के लिए। जगह कौन सा है? जगह है कंकड़ बाग, और कंकड़ बाग के पास खुला है एक दुकान, दिल्ली का मोस्ट फेमस आउटलेट है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बीर जी मलाई चाप वाले। और यहीं पे आज हम लोग ट्राई करने के लिए आए हैं चाप। और ये कहना कि ये जगह आपको प्योर वेज है, मतलब आपको 1% भी आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। हाँ, नॉनवेज वाला फील मिलेगा आपको, टेस्ट मिलेगा आपको, लेकिन नॉनवेज नहीं मिलेगा। तो हम चलते हैं अंदर में और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे है खाने के लिए, सबका प्राइस क्या है, सबका टेस्ट क्या है, और मियां खलीफा, बेबी डॉल है कि है क्या। चलते हैं अंदर, थोड़ा बातें बूते करते हैं, लगवाएंगे अपना प्लेट और करेंगे टेस्ट, बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। एक बार दिखाते हैं, यहाँ पे आइए। अगर आप यहाँ पे आइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे रंग बिरंगा सा चाप, हरा, पीला, लाल, और यहाँ पे लगा हुआ है तंदूर, जहाँ पे तंदूर हो रहा है हमारा सारा कुछ चाप, है ना। बहुत शानदार दिखेगा आपको यहाँ पे, और बहुत रिसेंटली ओपन हुआ है, लेकिन लोग जो है ना यहाँ के आ करके यहाँ के टेस्ट के दीवाने हो गए, सारा गाड़ी लगा हुआ है। चलते अंदर में, दिखाते थोड़ा सा अंदर का इंटीरियर कैसा है, और फिर हम लोग भी लगवाएंगे प्लेट, करेंगे टेस्ट। एक बड़ा ये देखिए, यहाँ पे आइएगा आप तो आपको देखिएगा कुछ ऐसा इंटीरियर, लोग यहाँ पे बैठ करके, एक फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर, ऊपर से फर्स्ट फ्लोर है, और सब कुछ लोग यहाँ पे आकर के एंजॉय कर रहे हैं अपने फूड को। ये देखिए आप आइए एक बार, तो यहाँ कौन कौन चाप लगा भैया बताइएगा एक बार। सर ये है लेग पीस, वेज लेग पीस। वेज लेग पीस, अरे वाह। ये है सर मलाई चाप। मलाई चाप। सर ये है पंजाबी चाप। पंजाबी चाप। सर ये है स्टफ चाप। अच्छा जी, इसके अंदर स्टफ किया गया था है? जी जी, पनीर का और काजू का। अच्छा, और मटर का सर स्टफिंग रहता है। वाह जी वाह। सर ये है हरियाली चाप। हरियाली चाप। सर ये अफगानी चाप। अच्छा। सर ये वेज चिकन टिक्का। अच्छा। ये सनी लियोनी चाप। सनी लियोनी चाप जी। अच्छा, ऐसा क्या खास इसमें है जो बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं इसका? सर ये थोड़ा सा मतलब चीजी ऐसा है, मतलब देखने में और खाने में भी सर मजा आएगा, खट्टा मीठा और स्पाइसी है सर। अच्छा। और सर ये है अचारी चाप। सर अचारी चाप, तो लोग यहाँ डिमांड सबसे ज्यादा किसका करते हैं? सर यहाँ पे सबसे ज्यादा और मलाई चाप और सनी लियोनी और मियां खलीफा का सर ज्यादा खूब डिमांड है ना। जी वाह जी वाह। तो चलते हैं हम लोग, मशरूम टिक्का है सर हमारे, ये है इनका मशरूम टिक्का, शानदार सा। तो चलते हैं फटाफट, लगवाते हैं अपना प्लेट हम लोग भी, और अब करते हैं टेस्ट, दिखाते हैं कि यहाँ का टेस्ट जो है वो कैसा होने वाला है। दुकान के ओनर मिस्टर महेश जी, और बताइए सर दुकान के बारे में कि कैसे सोचा आपने कि इतनी बड़े ब्रांड्स को जो है दिल्ली में यहाँ तक ले आए आप? मैं एक बार दिल्ली गया था। हाँ। तो मैंने कुछ कुछ फूड, मतलब दिल्ली में ऐसा ऐसा बहुत चटपटा चीज़ मिलता है खाने के लिए, बहुत अलग अलग चीज़ मिलता है। हाँ। तो मैंने टेस्ट किया, मेरे फ्रेंड ने बताया कि देखो ये वेजी चाप है, पूरी प्योर वेज है। मैंने टेस्ट किया तो मुझे चिकन के जैसा लगा, मटन जैसा लगा, हर टेस्ट वगैरह लगा, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि ये चीज़ पटना में नहीं है, नहीं ऐसा चीज़ नहीं है भेज वालों के लिए। हाँ। ठीक है ना, अभी जो नॉनवेज भी खाते हैं उनके लिए भी, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मुझे लाना चाहिए। हाँ। पहला आउटलेट है ये हमारे कंकड़बाग लोहिया पर, लोहिया जो पार्क है। हाँ। ठीक है, उस वाले रोड में। और रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोग जो जा रहे हैं एक बार खाकर वो दोबारा जरूर आ रहे हैं। हमारा जैसे देख रहे हैं, हमारा सब अलग अलग फनी फनी नाम हुआ, ठीक है ना, जैसे हुआ सनी लियोनी चाप। ठीक है, ये लोग पहले देख के आते हैं तो फोटो खींचते हैं, टेस्ट करते हैं तो और चटपटा लगता है। जैसा जब चटपटा नाम है हमारा, बेबी डॉल चाप हुआ। अच्छा। हाँ, एकदम बेबी डॉल चाप हुआ, मियां खलीफा चाप, लोग हंसते हैं, ठीक है ना। बट ये बहुत अच्छा चीज़ है, एकदम चटपटा चीज़ है, हरियाली चाप है, ये सब मिला के मैं एक बार टेस्ट करवाऊंगा। मैं मशरूम है, मशरूम हमारे यहाँ सब मशरूम ग्रेवी बेचता है, बट हमारे यहाँ जितना भी मशरूम आइटम्स हैं वो सब तंदूरी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ दिल्ली, बीर जी चाप वाले, जहाँ का अगर आप जा रहे हैं वहाँ खाने के, अगर दिल्ली में आप हो, पता होगा आपको कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा वहाँ पे ये चीज़ों को ट्राई करने के लिए। और सेफ आपका वहीं के दिल्ली से है? हाँ, सब सेफ हमारे दिल्ली से हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है वेज प्लेटर, मिक्स वेज प्लेटर। क्या क्या मिला इसके अंदर में? सर इसमें है पनीर टिक्का है 2 पीस। अच्छा। एक पीस मलाई चाप है सर। हाँ। एक पीस हरियाली चाप है सर। एक पीस स्टफ चाप है सर।
और एक पीस पंजाबी चाप है, सनी लेवनी है सर, चिकन टिक्का है सर, मशरूम है और मियां खलीफा है सर। मियां खलीफा भी इसके अंदर है। वाह, सारे आइटम मिक्स करके ये मिक्स जितना आइटम दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, वो सब आइटम एक सीख के अंदर में आ चुका है और ये जाएगा तंदूर के अंदर में और उसके बाद फिर निकलता है, बनाएंगे उसके बाद हम लोग फिर करेंगे इसको टेस्ट। ठीक है, तो ये जाएगा तंदूर के अंदर में, इसको डालेंगे। टाइम कितना लगेगा पकने में इसको सर? 3-4 मिनट। 4 मिनट के अंदर में रेडी हो गया ये? जी रेडी हो गया हुआ है, ये सीख करके रोस्टेड हो गया हुआ है सर। हाँ, अब ये सर कटिंग होगा। अच्छा, कटिंग करने का फिर क्या करते हैं वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप, ये गर्मा गर्म निकल रहा है हमारे बाउल के अंदर में, ये सीख पूरा खाली हो गया और सब कुछ यहाँ पे आ चुका है पूरा मिक्स प्लेटर। और इसको कटिंग करेंगे अब। देखिए सर, ये स्पाइसी मसाला डल रहा है इसमें। अच्छा, ये हमारा चाट मसाला वीर जी स्पेशल वाले, और ये हो गया क्रीम सर। इतना थिक क्रीम है ये? वाह। और ये है सर अमूल बटर, और ये है सर धनिया पत्ता, और ये नींबू भी डलेगा सर। एकदम चटपटा हो जाएगा जी, चटपटा क्रीमी क्रीमी हल्का सा तीखापन जी। गाइस, जब तक हमारा प्लेट लग रहा है आप देखिए यहाँ का मेन्यू, ये है वीर जी मलाई चाप वाले का मेन्यू, और नंबर दिया है, चाहे तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन में ही जोमेटो पे भी अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए तंदूरी आइटम्स है सारा, और कुछ आइटम दिखेगा आप जो बहुत फ़नी नेम्स है, प्राइस बहुत जेन्युइन है यहाँ का। ये सारा आइटम है यहाँ तो बहुत ही बेहतरीन स्वाद है यहाँ का, और जो जो भी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जैसे ये पंजाबी चाप है, इसके पहले मियां खलीफा जो कि इनका स्पेशल नाम रखा गया है, मियां खलीफा। हाँ, मियां खलीफा, बेबी डॉल और सनी लियोन, ऐसा भी कोई चाप होता है ये पहली बार हम लोगों ने देखा है। हाँ, तो वेजिटेरियन के लिए तो यहाँ पे एक जन्नत के समान इसको माना जा सकता है। वाह, और ये बेहतरीन स्वाद, और जो इसमें प्राइस दे रहे हैं ये, उस प्राइस के हिसाब से आइटम बिल्कुल सेटिस्फाइंग। लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, क्या क्या होगा? हमें तो लगा कि कुछ यहाँ होगा, टिक्के वगैरह लगा हुआ, लेकिन यहाँ नहीं मिला हमें। अच्छा, लेकिन जो मिला वो खाने के लिए काफी बेहतरीन है, नया टेस्ट है बिल्कुल। अच्छा लगा, अच्छा। तो दोस्तों फाइनली जो हमारे पास प्लेट आ चुका है यहाँ का, ये देखिए, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा आज जो यहाँ का मोस्ट फेमस डिश है, सनी लियोनी चाप। वाह भाई साहब, और प्राइस के लिए आपको मैंने दिखा दिया यहाँ का प्राइस लिस्ट क्या था, तो आप एक बार उसको चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। ये है बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट यहाँ का, सनी लियोनी चाप। तो करते हैं टेस्ट, आखिर देखते हैं कि लोग इतना डिमांड इसको काहे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बात नाम जैसा है ना, वैसा काम भी इसका है। एकदम टैंगी है, जूसी है, और हल्का सा कोई च्यू मिलेगा, मतलब थोड़ा सा चिबाना पड़ेगा, क्योंकि ये फील देगा आपको कि आप नॉनवेज खा रहे हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। तो और यहाँ पे भाई साहब लगा हुआ है पूरा प्लेटर, जो लोग शौकीन हैं कि अब चाहते हैं कि हर कुछ जो वैरायटी यहाँ पे लगा हुआ है वो सब है, तो यहाँ पे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पूरा का पूरा जितना वैरायटी है ना, सब इसमें है। जो तो पसंद था दिल्ली में ना, वो था स्टफ़ चाप, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा स्टफ़ चाप कहाँ पे है। हाँ, ये स्टफ़ चाप, ये देखिए आप, इसके अंदर में स्टफिंग क्या होता है, पनीर का, मटर का, और ये मुझे बहुत पसंद था दिल्ली में भी। तो हम करते हैं इसको टेस्ट, एक बहुत बड़ा बाइट है इसका, आखिर चटनी मिसिंग हमारा, चटनी मंगवाते हैं और उसके बाद भी फिर इसको टेस्ट करेंगे। एग्जैक्टली एकदम सेम फ्लेवर है, लगेगा नहीं आपको कि आप ये चाप ना दिल्ली में नहीं खा रहे हैं। बहुत शानदार फ्लेवर है, और हर कुछ जो है एकदम मैच कर रहा है वहाँ के फ्लेवर से। एकदम चटपटा भी है, जूसी भी है, और अच्छे से ना रोस्ट कर दिया, तंदूर किया गया है उसका, तंदूरी का अलग फ्लेवर निकल के आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये है इनका मशरूम, यहाँ पे चिकन लेग पीस, हालांकि चिकन लेग पीस नहीं है, लेकिन ये है सोया का बना हुआ है, बहुत शानदार है। आया फील, लगेगा आपको कि एकदम चिकन खा रहे हैं। तो फाइनली जो है रोटी आ चुका है हमारे पास, रुमाली रोटी, और इसको टेस्ट करेंगे हम यहाँ के। ये देखिए, ये है इनका ब्रेन करी, मटन ब्रेन करी है,
और आई थिंक इसके अंदर मैं कैसे बना आपको दिखाएं कि इनके अंदर कीमा पड़ता है, एक मतलब कीमा होता है सोयाबीन का कीमा होता है, उसको डाल करके इसको रेडी करते हैं। तो हम निकालते हैं, एकदम गर्मा गर्म मिला है और ये देखिए ये है ब्रेंड करी। नाम ऐसा ऐसा मिलेगा ना आपको यहाँ पे कि आपको लगेगा कि हर कुछ यहाँ पे नॉन वेज है, लेकिन नॉन वेज की नाम के साथ ना यहाँ पे आपको वेज और सिर्फ वेज ही सर्व किया जाएगा। तो हम लेते हैं कीमा को और ये देखिए अगर आप आपने खाया होगा ना वो पनीर बटर मसाला, वही टेस्ट है सेम, बस पनीर की जगह पे दिखेगा आपको यहाँ पे दिखेगा इसके अंदर में सोयाबीन मिलेगा। हालांकि दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बिल्कुल चंक सोयाबीन का यूज़ किया गया है, हल्का टैंगी है और मिठास है लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है। आइए एक बार ट्राई करते हैं हम यहाँ के ब्लैक मटन को। ये देखिए तो बिल्कुल थिक ग्रेवी और एक पीस निकालते हैं सोयाबीन, टेस्ट करते हैं। हालांकि थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है, यहाँ का जो रुमाली रोटी है ना थोड़ा सा मोटा है, वो पतला होता तो और मज़ा आता खाने में। ये देखिए आप ब्लैक मटन और ग्रेवी। अगर आप स्पाइसी खाने के शौकीन हैं तो इसको कर सकते हैं ऑर्डर, और मीठा खाने के शौकीन हैं तो इसको कीजिए ऑर्डर। दोनों का टेस्ट बढ़िया है, प्राइस आप खुद ही जगह मेन्यू के अंदर में तो ऑलमोस्ट टेस्ट बढ़िया है और बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू आउटलेट खुला है, दिल्ली का आउटलेट पटना में खुल चुका है। तो हम ख़त्म करते हैं सारे प्लेट को और मिलते हैं आपको एक नई जगह पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।